चलिए इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, शिमला से प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर तैयारियां तेज है। शिमला की बात की जाए तो बीजेपी ने संचालन समिति की गठन किया है, संचालन समिति का गठन किया। दरअसल कल इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शिमला के चक्कर में दरअसल कल बैठक हुई थी, इस बैठक में सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे, आप इन तस्वीरों को देखिए। और तमाम बीजेपी के नेता इसमें शामिल हुए थे। शिमला के लिए 3 मंडलों की समिति बनाई गई है, शिमला शहरी, ग्रामीण, कसुमटी के लिए समिति बनाई गई। और क्योंकि 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हिमाचल आएंगे, केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यकाल दरअसल पूरा हो रहा है और जश्न शिमला में मनाया जाएगा, किसी भी तरह की कोई कमी प्रदेश में ना रहे, अभी से ही बीजेपी की तरफ से तैयारियां इस पूरे जश्न को लेकर की जा रही है। हालांकि अभी शेड्यूल सामने नहीं आ पाया, लेकिन खबर यह है कि 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रुकेंगे और इनके पहुंचने से एक दिन पहले सुरक्षा दस्ता भी पूर्वाभ्यास करेगा। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा अपडेट्स के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, बैठक हुई कल शिमला के लिए, 3 मंडलों की समिति बनाई गई है, शिमला शहरी, ग्रामीण और कसुमटी के लिए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि चुनावी वर्ष है हिमाचल प्रदेश में और ऐसे में जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व जो है वो लगातार हिमाचल प्रदेश के दौरे करता है, तो इसी कड़ी में भाजपा की तरफ से पूरी तरह से तैयारी की जाती है। भाजपा जो संगठन है उसके भीतर कल भी एक बैठक का आयोजन जो है वो यहाँ का जो प्रदेश मुख्यालय है वहां पर किया गया और भाजपा पूरी तरह से तैयारी इस बात को लेकर कर रही है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक कार्यक्रम है इसको भव्य बनाया जाए, एक उत्सव की तरह मनाने के लिए तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है और दावा यही किया जा रहा है हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचेंगे, उनका पूरी तरह से इंतजाम यहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज अहम ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में जो राजधानी शिमला है एक पर्यटन नगरी है और पर्यटन नगरी के बावजूद इस समय आज के अगर हालात की बात करें तो अब पर्यटन सीजन जो है वो चल रहा है और ऐसे में कहीं कोताही कोई ना रह जाए और कहीं कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि सड़कों पर जाम जैसी परिस्थितियां हो सकती हैं अगर हजारों की तादाद में लोग यहां पहुंचेंगे। प्रदेश के कोने कोने से कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 31 मई यानी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला पहुंचेंगे तो ऐतिहासिक रिज मैदान पर एक रैली का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया जाना है। इसके लिए पूरी तरह से समन्वय तैयार किया जा रहा है, समन्वय किया जा रहा है कि किस तरह से पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ मिलकर जो है इस कार्यक्रम को भव्य बनाया जाए। वहीं दूसरी ओर अब एसपी जी ने मोर्चा संभाल लिया है, जगह जगह तैनाती जो है वो की जा रही है, कमांडोज की तैनाती की जा रही है और जिस तरह से 31 मई का ये कार्यक्रम जो है ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा तो कई तरह के कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच भाजपा, क्योंकि जिला स्तर पर ये बैठक जो है वो आयोजित की गई है, संचालन समिति का गठन जो है वो बीते कल यहाँ पर किया गया है, इसमें 3 मंडल जो है वो यहाँ पर रहेंगे और इन तीनों मंडलों में जो शिमला शहरी है, शिमला ग्रामीण है और कसुमटी है, एक संचालन समिति जो है वो यहाँ पर बनाई गई है जिसके तहत जो 8 साल के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो किस तरह से 8 साल का कार्यकाल यहाँ पर रहा है इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा और ये पहली बार होगा जब पूरे देश भर में शिमला जो है इसका गवाह यहाँ पर बनेगा और इस भव्य आयोजन को जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। कई केंद्रीय मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। हालांकि अभी जो कि अगर हम रिज मैदान की अगर बात करें तो ऐतिहासिक रिज मैदान के नीचे बहुत बड़ा टैंक है पानी का, लिहाजा पूरी तरह से विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि यहाँ पर ये रैली का आयोजन नहीं होना चाहिए और कहीं दूसरे स्थान पर, चाहे वो अनाडेल का बड़ा मैदान हो क्योंकि वो आर्मी के पास ये इलाका है, इसलिए जुब्बड़हट्टी की भी एक बात जो है वो सामने आ रही थी जहां पर एयरपोर्ट है, शिमला का एयरपोर्ट है, वहां पर भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कार्यक्रम वहां करवाया जाए। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि भाजपा पूरी तरह से तैयार है और इस तरह की समितियां जो है उसका गठन यहाँ पर किया जा रहा है जिससे रैली जो है वो पूरी तरह से सफल बनाई जा सके। शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने विस्तार से इस पूरी खबर पर जानकारी दी है कि विपक्ष का क्या कहना है, इसके अलावा समिति का गठन कर दिया गया है, किस तरह से तैयारियां इस वक्त शिमला में चल रही है।